लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति थोड़ी बेहतर करने वाली कांग्रेस को अपना घर संभालने में दिक्कत आने लगी है। पार्टी के एक बड़े नेता ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। उसने सीधे तौर पर केंद्र नेतृत्व से कह दिया कि वह अपने साथियों के साथ सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन की राह पर रहेंगे, लेकिन अन्याय से समझौता नहीं कर सकते। ये वो नेता हैं जो कुछ ही समय पहले तक गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंदों में से एक थे। इस नेता का नाम है अधीर रंजन चौधरी। 17वीं लोकसभा में सदन में कांग्रेस के नेता रहे अधीर रंजन चौधरी इस समय पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस अलगनामा के खिलाफ अपना गुस्सा सार्वजनिक कर दिया। अधीर ने फेसबुक पर पोस्ट कर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साध दिया। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह से तृणमूल से समझौता करने को तैयार नहीं है। अधीर के इस फेसबुक पोस्ट के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं। अधीर ने फेसबुक पोस्ट में साफ लिखा है कि जो कार्यकर्ता दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली में फोन नहीं आता। अगर ये राजनीतिक है, वो राजनीति मेरे लिए नहीं है, तो मैं अपने साथियों के साथ सड़कों पर ही रहूंगा, आंदोलन पथ को ही चुनूंगा। इसी बीच सूत्रों का कहना है कि अधीर रंजन अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। उनकी बात ने तो राहुल गांधी सुन रहे हैं और ना ही सोनिया गांधी। हालांकि एक बार सोनिया गांधी ने उनसे मुलाकात की, लेकिन उसके बाद से अधीर रंजन के बार बार के अनुरोध के बावजूद सोनिया भी उनसे मिलने से मना कर रही हैं। अधीर ने हमेशा ही तृणमूल के साथ किसी भी तरह के गठबंधन या सीट समझौते का विरोध किया था। आखिर में उन्होंने बहरामपुर से तृणमूल के यूसुफ पठान से हार गए। दरअसल बीते सोमवार को अलकनामा ने दिल्ली में प्रति नेता की बैठक बुलाई है। उस बैठक में ये साफ हो गया है कि अधीर रंजन को प्रति अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। हालांकि अधीर रंजन ने आरोप लगाया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत किसी भी नेता ने उन्हें पहले से कुछ भी नहीं बताया। मंगलवार शाम को किए गए फेसबुक पोस्ट में अधीर रंजन ने लिखा, जिन कार्यकर्ताओं को दिन रात तृणमूल पीट रही है, उनके लिए हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। सत्ताधारी तृणमूल हर दिन पार्टी को तोड़ रही है। उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल होकर हम पर अत्याचार करना बंद नहीं किया। तृणमूल इस राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी है। क्या उन्होंने हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बख्शा है? आज भी हमारे कार्यकर्ता जेल में हैं, झूठे मुकदमों के बोझ से दबे हुए हैं। हमारी पार्टी कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया है, कोई रोक नहीं रहा। तो मैं जमीनी स्तर के लोगों के खिलाफ कैसे चुप रह सकता हूँ? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये मेरे सहयोगियों के साथ अन्याय होगा, मैं ये नहीं कर सकता। अधीर ने सीधे तौर पर पार्टी नेतृत्व के लिए लिखा, दिल्ली को उन कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए जो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने उतरे हैं, उनकी राय भी जाननी चाहिए, उन्हें भी दिल्ली बुलाने की जरूरत आ गई है। मैं अपने सभी साथियों के साथ सड़क पर रहूंगा, आंदोलन की राह पर रहूंगा, अन्याय से समझौता करना मैंने नहीं सीखा और ना ही मैं करूंगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।